ऑनलाइन मार्केटिंग की खासियत ही यही है कि आप उसको खुद भी कर सकते हो और आप किसी एजेंसी को भी हायर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको आगे जाने के लिए या रिजल्ट लाने के लिए किसी एजेंसी की जरूरत है, इसको खुद नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो, आपके पास बजट नहीं है, तो आप थोड़ा टाइम दे के इसको सीख सकते हो और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपके लिए क्या कामयाब हो रहा है। और अगर आपके पास पैसा है, आपके पास खुद टाइम नहीं है, तो आप किसी एजेंसी को भी हायर कर सकते हो। तो इसकी खूबी यही रहती है कि अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप इसको फ्री में भी कर सकते हो, और अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको पेड एड के थ्रू भी कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे को ऑनलाइन मार्केटिंग काफी अच्छी लगती है। मेरा बिजनेस का मॉडल ऑफलाइन है, लेकिन जो मेरा कस्टमर बेस आता है वो सारा ऑनलाइन ही आता है। अगर गूगल या यूट्यूब नहीं होता तो आज मेरा बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने पहले गूगल पे SEO सीखा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको खुद ही सीखने की कोशिश करी और बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद एक्चुअली मैं बिजनेस में काफी बिजी हो गया, तो वो SEO वाला प्रोस्पेक्ट, क्योंकि इस पे आपको लगातार काम करना पड़ता है। जैसे ही आप 1 या 1.5 साल 6 महीने बाहर रहे, तो कोई ना कोई आपको आउटट्रेंक कर देता है। तो टाइम की बात है कि मैं उस वक्त बिजनेस को स्टेबल करने के चक्कर में उस पर ध्यान नहीं दे पाया, तो थोड़ा सा कुछ प्रोस्पेक्ट्स में, कुछ एस्पेक्ट्स में मेरी वेबसाइट को ही आउटरैंक किया बहुत सारे कंपटीटर ने। लेकिन फिर भी अगर गूगल नहीं होता, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे शिफ्ट किया, तो यूट्यूब से भी मेरे को काफी अच्छी फ्रेंचाइजीज मिले, काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले। तो ऑनलाइन ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज मेरे पास है, फ्रेंचाइजीज है, वो एक्चुअली सभी के सभी फ्री वे से है, कोई भी पेड नहीं है। पेड के थ्रू मेरे ख्याल से अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन आज अब मैं थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता हूँ पेड एड पे भी, क्योंकि अब हो चुका है, तो थोड़ा सा आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो ऑनलाइन की खासियत ही यही रहती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप इसको खुद सीख के, फिर वहां पे आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि तो पैसा और टाइम एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास पैसा है तो आप टाइम बचा सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, उन सब चीजों को सीखना पड़ेगा, और यही ऑनलाइन मार्केटिंग की खासियत है। ऑफलाइन में अगर मैं जाता, एडवर्टाइजमेंट में जाता, तो मेरा बहुत खर्चा हो जाता। अगर सोच करो मैं टूरिंग पे भी जाता तो भी मेरे को पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है उस वक्त। लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन वे से जाना शुरू किया, तो डेफिनेटली सी बात है कि वहां से मेरे को वो रिजल्ट, मेरे को टाइम तो दिन रात वहां पे मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये है कि मेरा बहुत पैसा बच गया, और उस वक्त मेरे टाइम की कीमत मेरे पैसे के मुकाबले बहुत कम थी। आज हो सकता है ज्यादा है, लेकिन उस वक्त कम थी। लेकिन मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस चाहिए और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू जाइए, उनको सीखिए, जितना सीख सकते हो। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है सीखने की। केवल आपको गूगल पे टाइप करना है कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। बहुत सारे ब्लॉग्स है, आप नील पटेल के ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो, उनके यूट्यूब वीडियोज को फॉलो कर सकते हो, सर्च इंजन जर्नल्स के ब्लॉग को फॉलो कर सकते हो, सैमरस के ब्लॉग को फॉलो कर सकते हो। तो बहुत सारे ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, जिनको आप फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में सीखने के लिए, या जो ट्रेडिशनल इंटरनेट मार्केटिंग है उसके बारे में डीपली सीखने के लिए। वो बहुत आपको ज्यादा सर चीजें फ्री मिल जाएगी, और उनकी भी अगर आप सुनोगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि आप इसको खुद भी कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते, और अगर आप, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा वो सारी चीजें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी एजेंसी को हायर कर सकते हो।